वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच चुड़ैल, कला जादू और पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक स्टोरी लेकर आते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महात्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है, जिसका उनके साथ सामना होता है केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है। और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है, वे लोग सिर्फ उन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं है, ऐसा बोल के उनका मजाक बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिला है। कभी कभी ऐसी भी घटन ए भी सामने आई जो कि अशरीरी आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देता है। विज्ञान भी ये विषय पे परीक्षण कर रहा है और ऐसे भी परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक रहवासी की है। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसीलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेस की पत्नी का मरण हो गया। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रियाविधि के बारे में बात किया था, उसी तरह से उसी विधि पूर्वक उसका अंतिम क्रियाकरण कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन में डॉक्टर्स ने उनका तपास करके बोला कि मेरा रोग बहुत ही बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुने उस आदमी ने चैन की सांस लेके होटल पे वापस आ गया। उस रात को जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में कोई है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मृत्यु हो गई पत्नी बैठी थी, ये देख के वो आदमी थरथर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अग्निसंस्कार किया उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत ही शांति मिली है। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्यार देखकर पति तो घेलो ही हो गया। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसकी उसे समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा, अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उस समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था, उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हो ऐसा उसको लगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला और कोई नहीं उसकी मृत माँ ही थी। उसकी माता की आत्मा ने आके ही सही सलामत घर से बाहर निकाला था। ये पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने उनके पुत्र की जान बचाया। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी, तब वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा दिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वो अदृश्य हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।